हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वन सेकंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ समय पहले मैंने ऑक्टोपस के बारे में कई सारे वीडियोस बनाए, कई सारी चीज़ें मैंने बनाई और वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आप ऑक्टोपस एप्लीकेशन को यूज करके आप फ्री फायर आराम से कीबोर्ड एंड माउस से अपने मोबाइल के अंदर खेल सकते हो, बिल्कुल पीसी की तरह। ये वीडियोस कुछ थे, ठीक। इन सारे वीडियोस के अंदर मैंने अलग अलग तरीके बताए कैसे व्हाट्सअप ऑक्टोपस के मैंने अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, लेकिन कुछ समय से मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं जहां पे बताए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि ऑक्टोपस यूज़ करने के बाद उनकी आईडी बैन हो जा रही है, सस्पेंड हो जा रही है। तो एक कमेंट आया, दो कमेंट आया, तो मुझे लगा हो सकता है कोई और रीज़न रहा हो। मैंने इसके बारे में छोटा सा वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसके बाद कई सारे मुझे कमेंट देखने के लिए मिले जहां पे लोग बोल रहे हैं कि यार मैं ऑक्टोपस यूज़ कर रहा हूं और उसके बाद मेरी आईडी सस्पेंड हो जा रही है, बैन हो जा रही है। तो भाई मेरे, मुझे सच में ऐसा लगता है, मैं तो यूज़ नहीं किया हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल ही डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। कई महीने हो गए मुझे यूज़ किए हुए ऑक्टोपस वगैरह, काफ़ी लेट इस टाइम वीडियोज़ वगैरह आ रही क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हूँ, खैर वो दूसरी बात है। बट अगर आप ऑक्टोपस यूज़ करते हो मेरे भाई, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ऑक्टोपस को यूज़ मत करो, खासकर अपनी मेन आईडी से ऑक्टोपस यूज़ मत करो। अगर आप ऑक्टोपस यूज़ कर रहे हो, अगर आईडी वगैरह आपकी बैन हो गई, तो इतनी प्रीशियस आईडी, आपकी आईडी अगर बैन हो जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑक्टोपस को यूज़ करो, क्योंकि जब से उसका अपडेट आए तब से कई सारे परमिशंस वो मांग रहे हैं, जिसकी मदद से आपके मोबाइल में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जब तक मैं क्लैरिफाई ना करूं, तब तक के लिए मैं आपसे यही बोलता हूं कि प्लीज़ आप ऑक्टोपस को यूज़ मत करो, इससे आईडीज़ वगैरह बैन हो रही हैं। क्योंकि ये एक लोग का नहीं, दो लोग का नहीं, लगभग 500 कमेंट ऐसे आए हैं जो लोग बोल रहे हैं कि भाई उनकी आईडी बैन हो गई है ऑक्टोपस को यूज़ करने के बाद। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप ऑक्टोपस यूज़ कर रहे हो तो ऑक्टोपस को यूज़ करना बंद कर दो, उसकी जगह पे आप पांडा मॉस प्रो का यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने एक नए एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है जो कि बिल्कुल पांडा मॉस प्रो की तरह, बट उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं और एक्टिवेशन प्रोसेस भी काफ़ी आसान उसमें हुआ है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के बारे में ये वीडियो आप जाके देख सकते हो इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए। बट ऑक्टोपस को यूज़ मत करो, क्योंकि ऑक्टोपस को अगर आप यूज़ करोगे तो आपका आईडी बैन हो सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।